दोस्तों, अगर आपने भी कभी कुछ जुगाड़ लगाकर या किसी ना किसी तरीके से बैकडेट डिग्री टाइप की ली है, या फिर कई बार होता है क्या कि हम कोई डिग्री या कोई मार्कशीट ले लेते हैं, तो उसके बाद एक मन में डर हमेशा रहता है कि क्या जो मैंने मार्कशीट या डिग्री जो भी मैंने अवेलेबल की है, जो भी मैंने ली है किसी भी तरह से ली है, क्या वो असली है, क्या वो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, क्या मैं इसको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और इसको वेरीफाई कैसे करवाऊँ। रीज़न, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम अगर बैकडेट डिग्री लेते हैं किसी ना किसी सेंटर के थ्रू या एजेंट के थ्रू आप लेंगे, आप डायरेक्ट तो यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं कर सकते कि हाँ मेरे को बैकडेट डिग्री चाहिए और आप मेरे को बैकडेट डिग्री दे दीजिए। तो उसके लिए आप किसी ना किसी से इस तरीके से ही होता है कि कोई एजेंट आपको मिलेगा या फिर कोई आपका नॉन होते हैं जो आपको इस तरह से करवा देते हैं, और आपको पूरी एश्योरिटी दी जाती है कि हाँ 100% वैलिड होगा, आप जहाँ मर्जी वहाँ लगाए और आप टेंशन क्यों ले रहे हैं हम, है ना। इस तरह से आपको पूरी तसल्ली दी जाती है, तब जाकर वो आपको बैकडेट डिग्री टाइप की मिल जाती है। अब वहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि आप उसको वेरीफाई करवाने के लिए जब सोचते हैं तो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी जाने में हमेशा डरते हैं, और कोई भी होगा जो अगर बैकडेट डिग्री लेगा तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जाने में उसको डर होगा ही होगा कि अगर यूनिवर्सिटी जाने के बाद पता लगा कि जो मैंने ये मार्कशीट या डिग्री जिस भी तरीके से आपने ली है, और वो वहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो नकली है या फिर उसके रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो यूनिवर्सिटी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, और वहीं आपको एक डर होता है, और जिसके थ्रू आप ये चाहते हैं हमेशा कि क्या ऐसा तरीका हो जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी ना आए और आपकी डिग्री या मार्कशीट जो भी आपने ली है वो आप वेरीफाई करवा लें। इसके लिए आज मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊँगा जिसमें कि आपका ये है कि 100% आपका वेरीफाई हो सकता है और बिना आपको किसी प्रॉब्लम के। हाँ, ये है कि कुछ चीज़ों में आपको डर रहता है और यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी या नहीं वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन हाँ आपको कोई खतरा ना हो जिसके लिए आप ये डरते हैं, तो पहला तो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको RTI बोलते हैं, और RTI लगाकर आप कर सकते हैं। लेकिन RTI के लिए अभी अगर मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करूँगा तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि हमने RTI यूनिवर्सिटी को कई बार लगा दी लेकिन यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं करती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिप्लाई करने से हमेशा बचती है क्योंकि वो चाहते ही नहीं है आपके RTI का रिप्लाई करना। अब RTI में भी क्या होता है, आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे, फिर सेकेंड मोशन होगा, फिर थर्ड मोशन होगा, लेकिन अगर RTI आप लगातार लगा रहे हैं फिर भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सीधा कंज्यूमर फॉर्म में जा सकते हैं, जहां पर जाकर आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट एक केस दायर कर सकते हैं कि हम लगातार अपनी डिग्री के लिए RTI लगा रहे हैं बट यूनिवर्सिटी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बट अगर आप वो भी करते हैं तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम होगी कि इन केस अगर आपका रिकॉर्ड वहाँ पर सच में ना हुआ तो भी आप जाकर वहाँ पर फंस जाएंगे। सेकेंड होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट FIR करेंगे कि हाँ हमने ये फर्जी तरीके से हमने डिग्री ली थी, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई भी मार्कशीट अगर प्रॉपर तरीके से रेगुलर वे में जाकर एनरोल करके नहीं कर रहे हैं तो यानी वो फर्जी तरीके से आप ले रहे हैं, तो आपको भी पता है और यूनिवर्सिटी को भी पता है कि आप उस केस में यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई केस ही नहीं कर सकते, ना ही यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट आप FIR कर सकते हो, तो वहाँ यूनिवर्सिटी 100% सिक्योर रहती है। और कई बार होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ है तो क्या मैं RTI लगा सकता हूँ, तो ऐसा इंपॉसिबल नहीं होता है। आप डिग्री जब तक आपको ना मिल जाए तब तक आप RTI ना लगाएं, वही बेटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें तो आपका है कि पूरा का पूरा सेफ प्रोसेस है बट रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आपने किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया था, अब उस ग्रेजुएशन कोर्स को करने के बाद आप ये चाहते हैं कि मैं इसको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कैसे करूं, तो या तो आप सीधा ये है कि यूनिवर्सिटी में जो वेबसाइट पे जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी से जिससे भी आपने किया उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको डिग्री का फॉर्म मिल जाएगा, माइग्रेशन मिल जाएगा, प्रोविजनल के लिए मिल जाएगा, और भी बहुत सारे लेटर होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये अप्लाई करके तो आपको होगा ही कि अगर रिकॉर्ड होगा तो ही वो आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। या फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरा प्रोसेस होता है ये कि आप यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी एक मार्कशीट डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। अब डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी की कंडीशन बता देता हूँ। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी बोर्ड से कोई मार्कशीट को दोबारा निकलवाना चाहते हैं, डुप्लीकेट निकलवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक तो FIR की कॉपी लगती है। FIR की कॉपी में आपकी वो मार्कशीट अगर कहीं मिसप्लेस हुई है आप वो वाली डिटेल लेंगे कि मेरी मार्कशीट इस तरीके से यहाँ पर मिसप्लेस हुई है। सेकंड होगा, उसके साथ एक एफिडेविट लगता है जो कि 50 से 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आप लगा सकते हैं, जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि जो भी मैं मार्कशीट आपसे डुप्लीकेट ले रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर कभी भी मुझे दोबारा मेरी ओरिजिनल वाली मार्कशीट अगर मिल जाती है तो मैं एक कॉपी को यूनिवर्सिटी को वापस रिटर्न करूँगा। और तीसरा होता है, यूनिवर्सिटी का कुछ चार्ज होता है, इसमें 1000 रुपये से लेकर 2000-3000 तक यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, तो जिससे कि आप डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा सकते हो, और डुप्लीकेट मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ आपकी तभी निकलेगी अगर वहाँ पर रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, तो यानी ये सबसे सेफ तरीका होता है जहाँ से आप अपनी वेरीफाई करवा सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन होता है किसी भी थर्ड पार्टी को आप पकड़ सकते हैं, जो बहुत सारी अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाती है, तो वहाँ से भी आप जाकर ये कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या है कि हाँ थर्ड पार्टी
वेरिफिकेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट आप लोग नहीं कर सकते हैं या फिर करते नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जैसे हमने पहले किया था क्या पता ये भी ऐसे ही कर दें। तो इसलिए बेटर ऑप्शन जो है, अगर आपको सिर्फ यही चेक करना है कि आपका रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन है या नहीं, या फिर आपने जिस भी तरीके से वो मार्कशीट ली है, तो अगर आपने वो ली है तो अगर वहाँ पर डुप्लीकेट मार्कशीट आप अप्लाई करेंगे, डुप्लीकेट कोई भी एक सर्टिफिकेट, और वो यूनिवर्सिटी का देती है, 100% आपका जेन्युइन होगा तभी वहाँ से निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो ये है कि अगर मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ एक यूनिवर्सिटी को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ जहाँ पर बहुत सारी रूमर्स ये भी थी कि इन्होंने दो रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं। एक रिकॉर्ड तो रहता है वो वाला जिसमें यूनिवर्सिटी में जो प्रॉपर आकर एडमिशन लेते हैं उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखती है, और एक रिकॉर्ड है ऐसा जिसमें कि बस जो भी इस तरीके से कहीं से जुगाड़ लगाकर या फिर फर्जी मार्कशीट लेकर या कैसे भी करके यूनिवर्सिटी से लेते हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और वहाँ पर अगर कभी भी यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा तो उस रिकॉर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। और ऐसे ही एक दो यूनिवर्सिटी को मैं और भी जानता हूँ जहाँ पर कि ये भी है कि आपको एडमिशन दिलवा देते हैं, दिलवाने के बाद वो ये कहते हैं कि आप एग्ज़ाम देने के लिए आ जाइए नॉन अटेंडिंग में, या कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि यूनिवर्सिटी के ऊपर कि अब ये यूनिवर्सिटी कर रही है, कुछ लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर बोल रहे हैं कि आप एग्ज़ाम वगैरह कर दीजिए, कॉपी आपको दे देते हैं, आप लिख के दे देते हैं और उसके बाद आप वो सबमिट कर देते हैं जिस भी सेंटर पर होते हैं, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपका रिजल्ट शो हो जाता है। तो इस तरीके से भी काफ़ी लोग कर रहे हैं अब, लेकिन इसमें कितना जेन्युइन तरीका है कितना नहीं, ये चीज़ें आपको पूरा एक्सप्लेन सिर्फ तभी हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी में वो रिकॉर्ड है। अब कई बार होता है क्या कि कुछ यूनिवर्सिटी आपको ये भी करती है कि रिकॉर्ड के लिए जब आप वेरीफाई के लिए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक एक हफ्ते तक अपने पास बुलाती है, और एक एक हफ्ते तक आपको वहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें आपकी करवाती है, प्रैक्टिकली वगैरह सारी चीज़ें करते हैं वो, उस तरीके से देखकर आपको वेरीफिकेशन देती है। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट कि आप क्या क्या ऐसा फॉलो कर सकते हैं तरीके जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आपने जो भी मार्कशीट या डिग्री जो भी लिया था वो सही है या नहीं। क्योंकि आपका होता क्या है कि मान के चलिए आपने 10वीं क्लास की कोई मार्कशीट आपने अरेंज कर ली है, अब उसी के बेस पर आपने 10th के बाद 12th कहीं से कर लिया, फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आपने मास्टर कर लिया, और जब आपने मास्टर किया उसके बाद आपने कहीं डॉक्यूमेंट लगाए, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको पता लगा कि हाँ जो आपने 10वीं की मार्कशीट आपने जिसके बेस पर सारी ही आपने क्वालिफिकेशन की थी वो 10वीं की मार्कशीट ही फेक है, तो आपका पूरा का पूरा जितना भी आपका टाइम गया है पैसा गया वो सब बर्बाद हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना बहुत कंपलसरी होता है, वो आप जरूर करवाइए, लेकिन हाँ सही तरीके से अगर आप करेंगे और इस चक्कर में आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपके लिए 100% ही चीज़ें सारी सही रहने वाली है। और एक और चीज़ होती है, जब भी हम कोई इस तरीके से मार्कशीट लेते हैं तो हमेशा हमारे मन में एक डर रहता है कि इसको कहीं यूज़ करें या ना करें, और अगर इस तरीके से आपने लिया प्राइवेट से ऊपर आप मत जाइए, प्राइवेट जहाँ भी आपका चल रहा है चला लीजिए, जब तक चल रहा है चल रहा है, लेकिन इसकी कोई अगर श्योरिटी की बात करें तो अगर आपने जेन्युइन तरीके से खुद ही आपको पता है आप खुद गलत हैं तो दूसरा सही कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट मार्कशीट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।